हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू टू डब्ल्यू बुटीक। ये देख रहे हैं आप, स्कर्ट रखा हुआ है मैंने, तो इसकी कटिंग का और सिलाई का वीडियो देखना है तो आई बटन में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आज मैं स्कर्ट के साथ टॉप है क्रॉप टॉप वो बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने फैब्रिक ले रखा है अस्तर, और ये साटन कॉटन। तो ये कपड़ा मैंने लिया है 1.5 मीटर, और जो अस्तर लिया है वो लिया मैंने 1 मीटर। इनसे मिल के मैं आज बहुत ही प्यारा क्रॉप टॉप बनाना सिखाऊंगी आपको, ऑफ शोल्डर, जो आप स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं या जींस के साथ भी पहन सकते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका नाप देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसके चेस्ट की साइज है 32 इंच, और वेस्ट की साइज है 28 इंच, और जो इसके शोल्डर का नाप है वो है 15 इंच, और इसकी लेंथ हमें रखनी है 17 इंच, और इसकी आर्म सोल की जो गोलाई है वो है 16 इंच, और इसकी बाजू हमें नहीं रखनी है, ऑफ शोल्डर रखना है। बट इस बाजू का लुक जो हम इस पर जल्ले लगाएंगे पूरे शोल्डर के राउंड में, तो वो हम रखेंगे 5 इंच की चौड़ाई रखेंगे उसकी। तो ये हमारा नाप है, मेजरमेंट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई श्योर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे, हमें जो क्रॉप टॉप की लेंथ रखनी है वो हम लेंगे। सबसे पहले पहले आप कपड़े को एक सिर का कर लें, और इस तरह डबल फोल्ड करें। इसके बाद में एक बार और हमें फोल्ड करना है, जिससे कपड़े की 4 लेयर बन जाए। और बंद हिस्से की तरफ से हमें नाप रखना है फ्रेंड्स। ये देखिए, हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 इंच, हमारी साइज 32 इंच है, तो इसमें 8 प्लस करना है, फिर उसका चौथा भाग हमें लेना है। इस तरह आप कोई भी चेस्ट की साइज़ निकाल सकते हो। उसके बाद में जो लेंथ है 17 इंच है हमारे पास, तो 1 इंच प्लस करेंगे 18 इंच, और ये देखिए इतना कपड़ा हमें चाहिए। और इसके बाद हमें बंद हिस्से की तरफ से मार्किंग करना है, तो जो शोल्डर की साइज़ है वो हमें लेनी है। यहाँ पे हमारे पास 15 इंच शोल्डर है, तो 7.5 इंच, और मार्जिन के लिए लेंगे 0.5 इंच एक्स्ट्रा। बंद हिस्से का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। फिर हम आर्म सोल की गोलाई देंगे, तो जो शोल्डर का मार्क ख़त्म होता है उसके बाद से हम लेंगे सीधा स्ट्रेट लेंथ की तरफ 6.5 इंच। इस तरह एक बॉक्स बना लेना है आपको, और इसके बाद अंदर की तरफ 1 इंच देंगे, और इसको इस तरह से तिरछा मिलाएंगे वापस ऊपर शोल्डर के मार्क की तरफ। ये देखिए, इतना करने के बाद हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, और गोलाई देनी है हम सोल की गोलाई में। इस तरह आप अच्छे से गोलाई दे सकते हैं। अब इसमें हम बॉटनेक बनाएंगे, तो हमें 4 इंच तक लेना है बंद हिस्से की तरफ से, और लंबाई में हम 3.5 इंच ले सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो 4 इंच ले सकते हैं। इस तरह एक बॉक्स यहाँ पे भी बनाना है, इससे हमारा नेक बनेगा। इसमें भी हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है, तो फ्री हैंड की हेल्प से दे सकते हैं। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी कुछ सिलाई सीखने के इच्छुक हो तो सीख पाए।
बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग और कटिंग। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने साथ में ही कटिंग करे हैं। अब दोनों को अलग अलग कर रहे हैं हम, और जो हमें फ्रंट पार्ट रखना है उसकी जो आर्म होल की गोलाई है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा और गोलाई देनी है हमें इस तरह से, और इसको कटिंग कर लेना है। अब हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग है। अब जो लाइनिंग हमने कटिंग करा है ये हमें हमारे मेन फैब्रिक पे रखना है। ये देखिए, जिस तरह आपके फैब्रिक की पैटर्न डिज़ाइन हो उसको उसी तरह से रखें। इसको भी हमें इसी तरह से डबल करना है। और एक बार और फोल्ड करा हमने। इसके बाद जो हमने लाइनिंग कटिंग करा है वो हमें रखना है सेम तरीके से, कटिंग कर लेना है। अगर डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते हो तो आप पहले मार्क कर लो, फिर उसके बाद आराम से कटिंग कर लो। इंस्टा पे भी हमारा पेज है फ्रेंड्स WTW वेस्टर्न वियर से, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वेस्टर्न वियर की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। अब देखिए, हमारे नेक के बाद जो ये शोल्डर है हम आप इसकी मोटाई ज़्यादा कम रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, आप इसको और कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग हमने कर ली है। अब जो बचा हुआ हमारे पास कपड़ा है उसकी हम लेयर कट करेंगे, जो हम क्रॉप टॉप में लगाएंगे। तो इसको भी इसी तरह फोल्ड करना है ताकि हमें काटने में आसानी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जितनी चौड़ी मोटी लेयर रखनी है, जैसे मैं यहाँ पे 5 इंच की चौड़ी लेयर रखूँगी, तो आपको जितनी चौड़ी चाहिए 4, 5, 6 आप उतनी ले सकते हो। उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, ताकि हम इस जो ये फ्रिल बनाएंगे, जो लेयर ले रहे हैं हम उसकी हम फ्रिल देंगे क्रॉप टॉप में, तो उसकी दोनों साइड में सिलाई में जाएगा मार्जिन, तो इसीलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हमने। तो इसी तरह आपको ज़्यादा फ्रिल रखनी है तो आप ज़्यादा पट्टियाँ काटे, और नहीं तो आप 2 या 3 पट्टी ये इस तरह से कटिंग करके ले सकते हैं। उसके बाद आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा लगे तो इसमें भी कम कर सकते हैं। तो चलिए, ये भी हमने कटिंग कर ली है। तो जो क्रॉप टॉप है उसका कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमने फ्रंट और बैक भी कट कर लिए हैं, और इसकी जो लेयर है वो भी हमने कटिंग कर ली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे जो हमने लेयर कटिंग करी थी उनको आपस में जोड़ लेंगे। तीनों फ्रिल को आपस में इस तरह से जोड़ना है जिससे तीनों एक हो जाए, कहीं से भी ओपन नहीं रखना है, पूरा इसका घेरा बनेगा जोड़ने के बाद। इसके बाद हमें इसके दोनों साइड में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और मशीन के पैर से सिलाई लगानी है। तो इस तरह आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ले, तो ये हमारा फ्रिल है जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे, जब हम क्रॉप टॉप रेडी करेंगे उसके ऊपर ही लगाएंगे तब। अब हमें क्रॉप टॉप के जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है वो रेडी करने हैं। तो इस तरह हम लाइनिंग रखेंगे
और उसके ऊपर हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखेंगे और नीचे की तरफ सीधी एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से वापस इसको खोलना है और जो लाइनिंग का कपड़ा है नीचे की तरफ करके एक टॉप सिलाई हमें लगानी है। मैं वापस बोल रही हूँ फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्रॉप टॉप बन के तैयार होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है सिलने में या कहीं पे भी समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वापस एक टॉप सिलाई लगाएंगे हम, ये देखिए इस तरीके से। और इसी तरह आपको जो बैक वाला पार्ट है वो भी रेडी करना है, फिर बाद में इसके चारों साइड में आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर नहीं होगा। तो ये देखिए दोनों पार्ट को हमने सेम इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे, देखिए कच्ची सिलाई भी इस तरह से कर ली है, तो रेडी कर ले, बाद में इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत तो उसको आप कटिंग कर ले ताकि हमारे कपड़े में फिनिशिंग आ जाएगी, ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, एक समान दिखेगा अच्छे से। ये देखिए जो आगे वाले आम सोल की गोलाई है इसमें एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं तो वो भी अच्छे से कर ले। अब हम इसमें टक्स मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके मिडिल पॉइंट में हमें एक मार्क करना है। अब हमें देखिए 4 इंच की दूरी पे एक मार्क करना है यहाँ से मिडिल भाग से, और वापस ऊपर की तरफ भी हमें मार्किंग करनी है। तो ये देखिए ऊपर से आप लेंथ देखेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, और 11 इंच पे एक पॉइंट लगाया हमने, तो ये टक्स हम डालेंगे, सीधी स्ट्रेट लाइन करेंगे। और इसके बाद दोनों साइड में आधा आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से पॉइंट लगा के वापस एक तिरछी लाइन खींचेंगे दोनों साइड में, तो ये हमारा टक्स बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह आपको दूसरी साइड में भी टक्स का मार्किंग कर लेना है। ये देखिए डबल करके इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे, देखिए लाइट बन गया है हमारे पास मार्क, तो इसको वापस डार्क कर ले। तो इस तरह से आप टक्स बना सकते हैं। इसको वापस दूसरे वाले कपड़े को भी इसके ऊपर रखेंगे तो सेम उस पर भी मार्क हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बार बार टक्स बनाने के लिए। तो इस तरह से आप इसको रेडी कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसमें टक्स लगाएंगे हम, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ हमें तिरछी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। इस तरह से इसी तरह आप बाकी वाले टक्स भी लगा ले। इस तरह से हम टक्स लगा लेंगे, इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका गेटअप आएगा। तो इसी तरह आपको दूसरे वाले भी रेडी कर लेना है। इसके बाद हम इसके नेक में रेडी करने के लिए क्रॉस पट्टियाँ लेंगे, तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। इसको इस तरह देखिए क्रॉस में खींचने से ये कपड़ा बढ़ता है, तो इस तरह से हम ये कपड़ा लेंगे। ये पट्टियाँ हमें लगभग 1.5 इंच की लेनी है, इससे आसानी से लगेगी और आपको भी लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इसको कम से कम 1.5 इंच चौड़ा लेना है। और अगर आप सिलाई अभी अभी करना स्टार्ट किया आपने तो आप इसको 2 इंच ले सकते हैं। ये हम नेक में और जो हम आर्म होल की गोलाई है वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे।
तो इन पट्टियों को पहले इस तरह से आपस में जोड़ ले, जो क्रॉस है उनको इनको जोड़ के एक लंबी पट्टी बना ले आप, ताकि बार बार आपको कपड़े को जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद नेक में किस तरह लगाना ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, नेक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, गले को जिस तरह से रखा हुआ है उस तरह से ही रहने देना है। और जो ये पट्टी हम लगाएंगे, इसको उरेप पट्टी बोल सकते हो आप, क्रॉस पट्टी भी बोल सकते हो, इसको डबल पकड़ना है, दोनों हिस्से कपड़े के बराबर रखना है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है क्रॉप टॉप का उसका नेक भी बराबर रखना है, कहीं ऊपर नीचे नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह एक सिर की राउंड में लगा ले, और यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे हम, और धागा नहीं कटना चाहिए ध्यान रहे। और अगर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा लगे तो हल्का हल्का कट कर लें। इसके बाद ये जो भी कपड़ा है, ये देखिए एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो कटिंग कर रहे हैं, अगर ज़्यादा नहीं है तो रहने दीजिए, नहीं तो कटिंग कर लीजिए हल्का हल्का। इसके बाद इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक टॉप सिलाई लगाएंगे। टॉप सिलाई लगाने से फ्रेंड्स कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और मशीन के पैर के नाप से एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा गेटअप आया देखिए। तो इस तरह अगर आप भी सिलाई करेंगे तो सिलाई में फिनिशिंग भी आएगी और बहुत अच्छा दिखेगा। इसी तरह आप दूसरा नेक भी तैयार कर लेना है। बाद में जो दोनों हमने रेडी किया फ्रंट और बैक, उनको एक साथ रखकर अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने पहले वन टक्स ब्लाउज़ दिया है, बट अगर आप इस ब्लाउज़ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर अभी भी आप इसको प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए पहले हम जो एक्स्ट्रा है हमारा फैब्रिक, या आप ध्यान रखिए कोई भी आप कपड़ा सिलाई लगाए तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको ध्यान रखना है आपको, इससे क्या कपड़े में फिनिशिंग भी दिखेगी और रफ़ नहीं दिखेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा कपड़ा होने से कपड़े में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है और बेकार लगता है दिखने में भी। तो ये देखिए आर्म सोल की गोलाई है, जो फ्रंट भाग है उसमें हम एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं, वहाँ पे आपको 6 इंच तक एक मार्क लेना है, पॉइंट लगाया हमने। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा कट लगा रहे हैं हम, इससे हमें ध्यान रहेगा। ये मैं सिंपल वन टक्स ब्लाउज क्रॉप टॉप है तो इसको मैं वापस प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये आप ध्यान से देखिए इस तरह से देखिए, वो मैंने जो कट लगाया है आर्म सोल की गोलाई में, वहाँ से मैं इस पॉइंट को मिला रही हूँ, इस तरह से शेप दे रही हूँ। अगर किसी की हैवी चेस्ट है तो जो नीचे वाला टक्स है उसमें आप ज़्यादा सिलाई लें, और नहीं तो चलेगा नॉर्मली में ये। तो इस तरह आप गोलाई दे और गोलाई पे इस तरह आपको सिलाई लगाना है, जिससे ये देखिए हमारे क्रॉप टॉप का पैटर्न चेंज हो गया है और हमें फ्रंट और बैक में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो इस तरह अगर आपको ब्लाउज़ में भी इस तरह चेंजेस करना है तो आप ब्लाउज़ में भी आराम से इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। अब हम दोनों शोल्डर की सिलाई लगाएंगे ऊपर से, बाद में इसको बैक तरफ करते हुए मशीन के पैर के नाप की एक सिलाई ऊपर लगाएंगे शोल्डर के ऊपर। बाद में जो आर्म सोल की गोलाई है वहाँ पे भी हमें सेम इसी तरह से जैसे हमने नेक में पट्टी लगा के तैयार करा था, सेम इसी तरह दोनों आर्म सोल की गोलाई में हमें ये क्रॉस पट्टी लगा के रेडी करना है। ये देखिए रेडी करने के बाद कुछ इस तरह से इसका गेटअप आएगा। तो चलिए इतना करने के बाद हम ब्लाउज़ की फिटिंग करना सीखेंगे। तो इस क्रॉप टॉप की फिटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, ब्लाउज़ क्रॉप टॉप सब जो भी आप कुर्तीज़ वगैरह पहनते हो सबकी फिटिंग सेम ही होती है। तो चलिए इसमें अपन फिटिंग कर लेते हैं। इसके लेफ्ट साइड में मैं ज़िप लगाऊंगी और राइट साइड को हमें बाहर की तरफ से सिलना है। पहले हम सीधी साइड में सिलाई लगाएंगे किनारी किनारी पे, बाद में इसको उल्टा करके लगाएंगे जिससे डबल सिलाई हो जाएगी और
जो ब्लाउज़ के अंदर की साइड है वहाँ पे भी फिनिशिंग रहेगी, एक्स्ट्रा कपड़े की कतरन नहीं दिखेगी। और दूसरी साइड है वहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके इसको ओनली फॉर फोल्ड करेंगे, इसको साथ में सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है और मशीन के पैर के नाम से सिलाई लगानी है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप और भी हमारे ज़रिए नई नई सिलाई में नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ आपकी अलग से कुछ डिमांड है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अब देखिए हम जो कमर की साइज़ है 28 इंच, इसलिए हम 14 पे मार्क कर रहे हैं। दोनों साइड में हमें सेम मार्जिन छोड़ते हुए मार्क करना है। अब हम चेस्ट की साइज़ लेंगे, चेस्ट की साइज़ हमारे पास 32 इंच है, तो देखिए दोनों साइड में सेम मार्जिन रखते हुए 16 इंच पे मैंने एक मार्क लगाया है। अब आर्म सोल की गोलाई भी ले सकते हैं, यहाँ पे आर्म सोल की गोलाई लूजिंग नहीं रखनी है, फिटिंग वाली रखनी है, तो मैं यहाँ पे 14 इंच ले रही हूँ, 7 इंच पे मैंने मार्क करा है। और अगर लूजिंग चाहिए तो हल्का सा लूज़ रख सकते हैं, मैंने लूजिंग लिया था आर्म सोल की गोलाई का नाप, तो मेरे पास 16 इंच, तो मैंने 8 नहीं लिया, मैंने 7 लिया, क्योंकि ये आपसे फिटिंग चाहिए, स्लीवलेस है इसलिए। तो इस तरह सब पॉइंटों को मिला के हम एक सीधी लाइन खींच रहे हैं। जो हमारी फिटिंग है वो हम इसी पे मशीन चलाएंगे, जो हमने मार्क किया है उसी पे हमें सिलाई लगानी है। तब कोई भी ब्लाउज़ हो, कोई भी टॉप हो, तो इस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं। अब इसके जस्ट पास में मशीन के पैर के नाप से एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह आप इतना इतना गैप रखते हुए 2-3 सिलाई लगा लें। बाद में हम दूसरी साइड में जिप लगाएंगे, तो हमें आर्म सोल की गोलाई की तरफ से सिलाई लगाना है। लगभग आर्म सोल की गोलाई से हमें लगभग 2.5 या 3 इंच तक का गैप रखते हुए एक पॉइंट लगाना है। और अगर आपकी ज़िप की साइज़ कम हो तो आप ये वाली चीज़ 5 इंच तक ले सकते हो, 4-5 इंच तक। तो यहाँ से हम लॉक सिलाई करते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर आप मशीन को 2-3 बार आगे पीछे करके लगाएंगे सिलाई, तो वो आपकी लॉक सिलाई हो जाएगी, तो इसको हम लॉक सिलाई बोलेंगे। ये देखिए इस तरह से लॉक कर लेना है। अब जो हमने मार्क करा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से अंगुली से प्रेस करके दोनों साइड में बराबर इसको फोल्ड करना है ऑपोजिट साइड में। और हम एक मार्क लगाएंगे इसमें, जिससे हमें ज़िप लगाने में आसानी रहेगी। ये देखिए जो सीधी लाइन बनी है हमारे पास, यहाँ पे हम ज़िप को रख के अटैच करेंगे। ये देखिए इस टाइप की ज़िप है हमारे पास, तो इसको उल्टा करके इस तरह से लगाएंगे, कंफ्यूज़ नहीं होना है। और देखिए ज़िप की लंबाई अगर कम है, ये मेरी ज़िप की लंबाई थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसमें मैं थोड़ी सिलाई और अटैच करूँगी। तो इस तरह से लॉक सिलाई कर लेना है हमें। अब ज़िप को खोल कर इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से इसका हुक आएगा, ज़िप का इस तरह से खुलेगी बंद होगी, तो हमें इसको ध्यान रखते हुए फिर अटैच करना है, नहीं तो उल्टी लग सकती है ज़िप हमारी। ये देखिए इतना हमें ज़िप को आगे की तरफ छोड़ना है और ज़िप के पास में हल्का सा इधर मोड़ते हुए इसको सिलाई लगानी है।
जो जिप की चेन बनी हुई होती है उससे हल्का सा पास में हमें सिलाई लगानी होती है। इसके ऊपर नहीं चलानी है मशीन, चेन के ऊपर नहीं चलानी है, इसके पास में चलानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जिप में लास्ट तक सिलाई लगानी है, जहाँ तक हमने फैब्रिक को लॉक करा है, कपड़े को लॉक सिलाई करके लगाया था, वहाँ ऊपर तक हमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। इस तरह लास्ट में लाके हमें इसको कंप्लीट करना है सिलाई को, और सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके हुक को आगे की तरफ निकाल कर इस तरह से खींच के इसको जिप को बंद कर ले। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारी जिप लगी है, इनविजिबल वाली जिप लगाई हमने यहाँ पे। अब इसके दोनों किनारे पे जो जिप के मुंह खुले हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में इसी तरह से इसको करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है जिप और क्रॉप टॉप। अब हम ऊपर जो हमारा मैन है लेयर बनाएंगे क्रॉप टॉप पे, जिससे ऑफ शोल्डर का लुक भी आएगा। इससे आपको आपके शोल्डर जितने ब्रॉड हैं उनका नाप ले लेना है। ये देखिए, ये इलास्टिक मैंने जिसके लिए मैं ये क्रॉप टॉप बना रही हूँ उसके मैंने शोल्डर को नाप के इस इलास्टिक को बराबर कर लिया है। इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है फ्रेंड्स, जिससे आपको फिर अनकंफर्टेबल फील हो, तो इसको आपको इलास्टिक को लूज़ रखते हुए ही नापना है। तो अब इस इलास्टिक का जो मुंह खुला है उन दोनों को इस तरह से रख के बीच में अगर कोई सलवटे या आई रखी हो इलास्टिक के बीच में तो उसको आप निकाल ले और इस तरह से दोनों को सिलाई लगा कर एक कर ले इलास्टिक को। ये देखिए, इस तरह हमने इस इलास्टिक को कर लिया है। अब इस पर हम एक मार्क लगाएंगे। ये देखिए, एक सिलाई वाला मार्क हो गया। अब इससे बराबर करते हुए एक और मार्क लगाएंगे। ये मार्क हमें बहुत काम आएंगे जब हम इसको क्रॉप टॉप के ऊपर अटैच करेंगे इस लेयर को, तब वापस एक बार और फोल्ड करके। ये देखिए, हमने इलास्टिक को चार बराबर भागों में बांट लिया है। तो इस फ्रिल को इसी तरह से सेम जिस तरह हम इलास्टिक पे कर रहे हैं, ये देखिए, इसको चार भागों में डिवाइड करके हमने मार्क करा है। उसी तरह आपको जो ये हम फ्रिल बना रहे हैं इसकी, तो जो फ्रिल हमने बना के रेडी कर ली है उसको भी इसी तरह से बराबर चार भागों में इसको डिवाइड करेंगे। और इस पर हम देखिए मार्क कर रहे हैं, क्योंकि इस पर हम ये रेडी हो रखा है, इस पर हम कट नहीं लगा सकते हैं और पेन से भी हम इस पर नहीं कर सकते हैं, तो इस पर हम मार्क कर रहे हैं टेंसिल चौक से। तो इस तरह से अब देखिए, जो इलास्टिक का मार्क है और इस पर हमने मार्क लगाया है, वो दोनों को मिलाते हुए अंदर की साइड से उल्टी तरफ हमें इलास्टिक को लगाना है इस पर। और कपड़े को देखिए फ्रेंड, कपड़े से कुछ भी नहीं करना है, कपड़े को जिस तरह से रखा हुआ है उसी तरह से रख के रहने देना है। और इलास्टिक को हमने थोड़ा थोड़ा खींचते हुए इस तरह से लगाना है, और एक हाथ से आप पीछे की तरफ से खींचे, नहीं तो फिर ये इलास्टिक है आएगा नहीं सिलाई में। तो इस तरह से एक हाथ से इलास्टिक खींचे आप, और दूसरे हाथ की हेल्प से इसको इस तरह से हल्के हल्के आगे की तरफ निकालते जाएँ मशीन से। तो इस तरह आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से एक हाथ से इस तरह खींचना है पीछे की तरफ, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। तो
इसी तरह से हमें यह इलास्टिक पूरा जो हमारा राउंड घेरा है उसमें हमें लगा के इसको रेडी कर लेना है। अगर आपके बाय चांस आपके ये जो जलर है जो हम बना रहे हैं फ्रिल देने के लिए क्रॉप टॉप में ज़्यादा होती तो कट कर सकते हैं, नहीं तो पूरे राउंड में इसी तरह से इलास्टिक घुमाते हुए इसको लगाना है। ये देखिए इसको इस तरह से इसके ऊपर हम अटैच करेंगे, बहुत ही प्यारा, देखो दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा तब भी बहुत प्यारा लगेगा और आपको बहुत ही गॉर्जियस लुक देगा ये। तो ये देखिए अब हमारा जो क्रॉप टॉप रेडी हुआ है, तो हम इसके मिडल में भी दो पॉइंट करेंगे बिकॉज़ जब हम इसको लगाएंगे जलर को तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी लगाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम मार्क कर रहे हैं शोल्डर से, हमें कम से कम 5 इंच की दूरी पे एक पॉइंट लगाना है और दूसरे शोल्डर से भी सेम 5 इंच की दूरी पर हमें एक मार्क लगाना है और इसको हल्की सी गोलाई देते हुए इसको मिलाना है और सेम इसी तरह से हमें बैक साइड में भी करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जब हम इसको लगाएंगे तो हमें लगाने में आसानी रहेगी, जहाँ जहाँ मार के वहाँ रखते हुए हम आसानी से लगा पाएंगे। और ये देखिए हमने बराबर करके इसके भी मिडल में एक पॉइंट लगाना है, बैक और फ्रंट दोनों साइड में। अब जो हमारी जलर है उस पर हमने 4 पॉइंट लगा रखे हैं पहले से, तो पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है और जो हमने मार्क लगाया है उस पर बस ओनली फॉर सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे कि जो इलास्टिक हमने यूज़ करा है उसको जब हमने इसके फ्रिल के साथ लगाया था तब हमें इसको खींच के लगाया था, अब इसको खींच के नहीं लगाना है बिल्कुल भी, बिल्कुल जैसे जिस तरह से है उसी तरह से इसको सिलाई लगा के रेडी करना है और मिडल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और एक बात और ध्यान, जब हम इसको फ्रिल को लगाएंगे तो इसके नीचे जो भी कपड़ा है, ऐसे नहीं कि आप पूरा क्रॉप टॉप एक साथ ही सिल दो, नीचे वाला कपड़ा अलग करते हुए हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है और खींचना तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आम सोल की गोलाई तक पॉइंट है मार्क लगा हुआ है वहाँ तक इसको लगा के कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर क्रॉप टॉप बन के तैयार हो गया है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, थैंक यू।